को जैसे कुछ दिन पहले हम गए थे होली फेस्ट पर, तो हमारी क्रा यूनिवर्सिटी के लड़कों ने ऑर्गेनाइज़ करवाया था, तो कुछ दिन पहले हम गए थे वहाँ पर। लेकिन मैं ब्लॉग कुछ दिनों बाद बना रहा क्योंकि मेरा गला एक्चुअली बैठ गया था, क्योंकि वहाँ पे हल्ला गुल्ला करने की वजह से तो इतना मज़ा आया कि गला ही बिल्कुल ही बैठ गया था। तो मैंने बोला था जब तक मेरा गला ठीक नहीं होता तब तक मैं ब्लॉग नहीं करूँ, क्योंकि आवाज़ नहीं निकलेगी तो फ़ायदा बोलने का। तो इस वजह से मैंने 2-3 दिन बाद आज भी जाके अपना ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ, और मतलब मैं ब्लॉग अपना शूट कर रहा हूँ, रीशूट कर रहा हूँ जो मैंने वहाँ पर अधूरा छोड़ा था। तो चलिए मैं आपको थोड़ा नज़ारा कैसा था चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। कभी आप एक रिक्शा में 8 लोग बैठे हैं? हमारे साथ ये सीन हुआ था, क्योंकि जब हम वापस आ रहे थे तो रिक्शे एक तो मिल नहीं रहे थे, तो एक रिक्शे वाला मिला था, उसमें हम 8 लोग बैठे थे एक रिक्शे में। मतलब वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि अंधेरा था, तो लेकिन बहुत एक्चुअली फनी वाला सीन था। 8 बंदे थे, 2 आगे बैठे थे, 6 पीछे बैठे थे। अब आप सोचिए किस तरह बैठे होंगे। तो मतलब बहुत मज़ा आया। वापसी में जाते हुए तो हमने 2 रक्शे करवाए थे, वापसी में हम एक रक्शे में 8 बंदे, ज़रा सोचिए। चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये वक्त है जून जुलाई का, ये तो आपको पता ही है। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में।